Hey guys, welcome back to VIA Family Vlogs. So guys, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं हो गई हूँ रेडी रोज की तरह. हम लोग रोज कहीं ना कहीं गाइस जाते हैं क्योंकि घर में रह करके बोर हो जाते हैं दिन भर, तो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं. तो गाइस आज हम जा रहे हैं युवो को घुमाने के लिए, तो युवो भी रेडी है, दिखाती हूँ मैं आपको. तो गाइस युवो ने आज शर्ट पैंट पहना हुआ है और वो खा रहा है गाठिए, है ना यू? यमी लगते हैं युवो को गाठिए पिती बुबू. तो गाइस सुबह युवो के पापा खाना खाकर चले गए थे, लंच कर लिया था उन्होंने, और अब मैं जा रही हूँ युवो का फूड बनाऊंगी, उसके बाद पैक करूंगी उसका बैग और फिर हम निकलेंगे घर से, युवो के पापा के पास जाएंगे. तो गाइस युवो को देख रहे हो आप, हीरो बन के बैठ जाता है, फट से गॉगल लगा लेता है कार में बैठ के. ओह क्या कहना है युवो तुम्हारा. अरे रे, स्माइल कर दो सबको. आहा, बाय कर दो, बाय फ्लाइंग किस. अच्छा बोलो हेलो गाइस, हेलो गाइस बोल दो, हेलो गाइस बोलो ना, हेलो गाइस. शर्म आ रहा है. तो गाइस हम लोग घर से निकल रहे हैं और जा रहे हैं युवो के पापा के पास शोरूम पे, वो शोरूम पे हैं. युवो आगे ही बैठो बेटा, पीछे नहीं जाओ. तो गाइस युवो पापा पास आ गया है. चलो चलो आगे चलो. ये मूर्तियों के पीछे जिया नहीं देखी तो. अच्छा टुन्नी पास गई जिया. चलो 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 इधर आओ, एक एक करके सब उतार दोगे तुम तो. कहाँ से जिया? अरे तो गाइज अभी हम शोरूम पहुंचे हैं, युवो ने एक एक करके सारा सामान उतार दिया उसका. तो गाइज युवो यहाँ शोरूम के बाहर खेल रहा है. नो, छी छी छी, गंदा बच्चा, वो गई बॉल. हाँ चलो घर चलो, डर्टी हो गई वो. तो गाइस यू यहाँ शोरूम के बाहर खेल रहा है बहुत देर से, घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है. हम लोग जाने वाले थे कहीं, देखते हैं अगर यू के पापा फ्री हो जाएंगे तो ही जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे. तो गाइस अभी हम शोरूम से जा रहे हैं गोडाउन पे, शोरूम के जस्ट पीछे ही है हमारा गोडाउन. गोडाउन से सामान लाना, इन लोगों से सारी हमाली आज ही करवाऊंगा. तो गाइस यहाँ पर अभी गोडाउन है हमारा, तो हम वहाँ पर कुछ पार्सल है वो लेने जा रहे हैं. डॉगी पास जाना है इसको, बताओ डॉगी पास जाना है इसको. डॉगी ने एक बार वाओ भी कर दिया ना, तो फिरेगा इधर से. तो गाइस आ गए हैं हम गोडाउन पर. ये तो गाइज हमारा गोडाउन बहुत बड़ा है, उस रूम में भी खुला हुआ है, उधर भी है गाइज, इस तरफ भी है, उधर का भी लाइट नहीं ऑन किया है, और बाहर भी एक रूम है. गाइज युवो इरिटेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसको घूमने जाना था और पापा उससे काम करवा रहे हैं, कभी यहाँ लेकर आ रहे हैं कभी शॉप पे काम करवा रहे हैं, तो इसलिए वो इरिटेट हो रहा है बहुत ज़्यादा. मिठू मिठू बात कर ले. कौन आया, बच्चा आया? बात करो, बच्चा आया. मिठू तो होता. अच्छा अच्छा अच्छा, डर लग रहा है क्या आपको? देखो अच्छा, बाय कर दो मिठू को, बाय कर दो, बाय. तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं शोरूम से. कोकोनट आज तो पिला ही दो प्लीज, कोकोनट. अच्छे से बोलो यू, भी हंस के बोलो कोकोनट, स्माइल करके बोलो, स्माइल करके बोलो. मेरा बेटा कोकोनट पिला दो आज यू को. चलो तो गाइस वहां पर पैरेट से डर रहा था और अभी तब से मम्मा पैरेट, मम्मा पैरेट ऐसे ही कर रहा है यू. ऐसा है यू अपना,
अपना यू तो अच्छा ही है भैया। पैरेट के पास जाना बच्चों। पैरेट। तो गाइज अभी यू को पिला रहे हैं कोकोनट वाटर। और गाइज हम तीनों एक साथ एक टाइम पे नहीं पी पाते हैं क्योंकि यू और पापा ही पी पाते हैं, मैं बाद में पीती हूँ गाइज क्योंकि यू के साथ मेरा पीना मुश्किल होता है। गारंटी नहीं बोल सकते कब तक कहेंगे। तो गाइज नारियल पानी पीने के बाद प्लान था पानी पूरी खाने का, पर गाइज पेट ही इतना भर गया मलाई खा करके कि अब पानी पूरी कैंसिल हो गया। ये तो साजिश थी मेरी। मैंने दो नारियल की मलाई तुमको खिला दी। हाँ यार अच्छा। और खुद ने एक खाई। चलो फिर खा लेते हैं पानी पूरी, तुम्हें तो भूख लगी रही होगी। अरे घटिया पानी पूरी। तो गाइज यू ने आज कर दी है गाड़ी पूरी क्लीन। यस खुदनी डर्टी डर्टी डर्टी। तो गाइज अभी हम आए हैं एक इम्पोर्टेंट काम से। हमारे घर में कबर्ड थोड़ा दिक्कत दे रहा था तो हम एक्स्ट्रा कबर्ड बनवाने के लिए आए हैं अभी। फर्नीचर वाले के पास फर्नीचर की कमी हो रही है। तो हमको जीवन भर फर्नीचर की कमी रहेगी। मेरे कारण ना, मेरे कपड़े बहुत ज्यादा। सिर में भी फर्नीचर बनवाऊंगा मैं किसी दिन। उसमें सिर में कंघी मोजे ये सब लेके घूमेगी। लाइनर लगाना है फट से फर्नीचर में से निकल रहा। ये लाइनर लगा वापस रख दिया। मार दूंगी, जाओ तो यहाँ से भगो। तो गाइज मेरे कपड़े बहुत ही ज्यादा हैं गाइज, रखने की जगह नहीं हो पाती है तो इस कारण से एक और कपड़ा हम बनवाने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो अभी देखते हैं डायमेंशन क्या है, डायमेंशन क्या नपती दे रहे हैं। ओ, 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 मजा आ गई यू को। तो गाइज हमने फाइनल कर लिया है फर्नीचर हमको क्या लेना है। यू यहाँ मजे कर रहा है बैठ करके। घर नहीं जाना। तो गाइज हम खा रहे हैं लिट्टी चोखा, फेमस है यहाँ का, बिहार का फेमस डिश है। हमारे यहाँ पे इंदौर में हर जगह पे मिलता है। तो गाइज हम लोग घर आ गए थे, यू सो गया है तो लाइट ऑफ है पूरे घर की, बस यहाँ की लाइट ऑन है ताकि मैं दिख सकूँ इसलिए। सो यू के पापा ने हमको छोड़ करके जस्ट अभी गए हैं। अब वो सीधे आएंगे 10:30 बजे आज रात को। तो गाइज ये मैंने चार्जर लगाया हुआ है और ये पन्नी मैंने क्यों टांगी है, वो इसलिए टांगी है क्योंकि मैं इसके अंदर फोन रखती हूँ। इस पर चार्जिंग पे लगाकर इसके अंदर रख देती हूँ। कई बार मैं यहाँ रख रही थी तो फोन मेरा गिर गया था एक दो बार, तो मैंने इस पर रख दिया है। रखती हूँ मतलब चार्जिंग पर लगा करके तो बढ़िया अच्छा टिका हुआ रहता है, गिरता ही नहीं है, किसी का भी फोन आए नीचे नहीं गिरता है। तो गाइज यू उठ गया है, उसके पापा अभी तक नहीं आए हैं। 10:30 बज चुकी है रात की, अभी तक भी नहीं आए हैं काम पे से। तो हम लोग वेट कर रहे हैं उनका। अच्छा नहीं लग रहा है, घर में खाली खाली लग रहा है। तो मैं गई। तो गाइज बज गए हैं 11 और मैं यू और यू के पापा हम तीनों जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने, आउटिंग करने थोड़ी सी, क्योंकि यू के पापा अभी आए हैं जस्ट शोरूम से। तो बस गाइज अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा घूमेंगे ऐसे ही मार्केट में। हमारे यहाँ तो गाइज 12-1 बजे तक चालू रहता है मार्केट, कुछ बंद नहीं होता है। खाने पीने का इतना लेट तो चलता ही खाने पीने का तो रात भर चालू रहता है। हाँ तो बस हम कुछ ऐसे ही जा रहे हैं। लोग भी ऐसे ही हैं यहाँ के खाऊ गुल्ले, लोग रात भर खाते रहते हैं, जितनी देर जगा लो उतनी देर खाते। गाइज शादी के पहले जब मैं बैचलर थी तो हम मतलब फ्रेंड्स में रात को 3-4 बजे हम लोग मैगी खाने जाया करते थे। LIG की मैगी बहुत फेमस थी उस टाइम पे, है ना? फ्रेंड्स की लगाई हुई। अपन नहीं जाते थे क्या? अपन भी तो जाते थे। हाँ अपन तो रात भर ही जाते थे। हाँ। सुबह 6 बजे तक जाते रहते थे। तो गाइस हम लोगों ने बहुत घूमा है गाइस, शादी के पहले बहुत घूमे हम लोग, मतलब बहुत मस्ती की है। ऐसी कोई जगह नहीं है इंदौर में जो हमने छोड़ी हो। अभी तो बस बच्चों के कारण थोड़ा सा पीछे हटते, नहीं तो घूमते ही रहते। तो हम तीनों को ही घूमना बहुत अच्छा लगता है गाइस। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। मेरे को कोटी। नहीं नहीं तुम बेल्जियन वेफल्स खा लेना और हम खा लेंगे, मैं खा लूंगी इमरती। यू मैं बता रहा था कि तीनों को घूम, हम तीनों को मक्कर नहीं है, घूमना नहीं पसंद है, ये सिर्फ यूविन और यूविन की मम्मा को पसंद है भाई। गाइस यू को इतना घूमना पसंद है, इतना घूमना पसंद है क्या ही बताऊं। यू जब पेट में था ना तब से ही मैं उसको घुमा रही हूँ। मैंने एक भी
दिन बोल लो एक भी महीने मैंने रेस्ट नहीं किया है घर पे। मैंने अपने 9 मंथ में जब यू होने वाला था उसके एक दिन पहले तक मैं अपनी एक्टिवा चला करके घूम रही थी। सोचो, और जिस दिन हुआ उस दिन भी हम घूमने ही गए थे कहीं। हाँ वो तो तो गाइस मैं मतलब एक्टिवा से सब दूर जाती थी अपने 9 मंथ के लास्ट मतलब 2 दिन बाद यू होने वाला था और तब भी मैं अपने सारे काम कर रही थी गाइस एक्टिवा से जा करके, क्योंकि मुझे इतना हैक्टिक लगा ही नहीं मेरी पूरी प्रेगनेंसी में। यू ने इतना परेशान किया ही नहीं। हाँ बस 3 महीने मुझे वोमिटिंग हुई, उसमें भी मैंने घूमा तो यू घुमक्कड़ पैदा हो गया। घूम घूम के यू को मैंने घुमक्कड़ कर दिया था। तो यू को आदत है कहीं नहीं जाओ पापा चलो गेम जोन चलो, पापा घूमने चलो, पापा मार्केट चलो, और कहीं नहीं तो पापा मंदिर चलो, पापा शोरूम चलो। दिन भर का कहाँ है यू का। मुझे देख रहा घूर के ग्रीन हो गया बेटा सिग्नल। तो आज हम उड़िया फ्रेंड्स को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे मतलब? उनके लिए भी एक थोड़ा सा मुझे डालना पड़ता है डेली व्लॉग में। उनको अच्छा लगता है, सब मुझे मैसेज करके बोलते हैं, कमेंट में बोलते हैं कि आप कुछ उड़िया में भी बोल करके व्लॉग में बनाया करो। अच्छा हाँ, तो केमती जाओ, केमती जाओ, तुम केमत जाओ। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो ऐसा पूछ रही हूँ मैं। कोठी जाओ चो, कोठी जाओ चो, हाँ कोठी जाओ चो, मुँह, हाँ मुँह जाओ ची, तुम पे ये आनिया हूँ, तुम पे ये आनिया नू, ये क्या होता है भाई? हम तीनों ही तमपु ये आड़िया जा रहे हैं। तम पाई बटे बाड़ी आनी हुई। बाड़ी बाड़ी रे गेलो बड़ी। पापा कोकोनट पीना है। कोकोनट को क्या बोलते हैं उड़िया में? नोड़िया। नोड़िया पैया। नोड़िया पैया। नोड़िया पैया पीने। नोड़िया पानी। अच्छा नोड़िया पानी पीने। और जिन ताड़ी को क्या बोलते हैं? ताड़ो नहीं, ताड़ी को, ताड़ी वो जो निकलती है पेड़ में से, तो उसको तो ताड़ी बोलते हैं। ताड़ी बोलते हैं वो हर जगह, ताड़ी ही बोलते हैं फिर उसको। हाँ। हमारे उधर भी ताड़ी ही बोलते हैं। हाँ। कुछ अलग रख लेते तुम लोग ना। इमरती पे ले जा रही है, ये दिन भर डाइटिंग करते हैं, रात को आधा किलो इमरती खाते हैं। नहीं गाइस, कभी कभी क्रेविंग होती है बहुत ज्यादा मीठे की, कभी खाना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कि बॉडी में एक मीठे का भी हार्मोन होता है। अच्छा, वो कभी कभी डाउन हो जाता है। वो क्या करता है? डाउन हो जाता है। शुगर लेवल जिसको बोलते हैं ना, सॉल्ट भी जरूरी है बॉडी को, मीठा भी जरूरी है, तो महीने में कभी कभी आप खा सकते हो। तो आधा किलो इमरती रोज। अबे एक खायूं। जरूरी है मीठा खाना भी, तो डिसबैलेंस हो जाते हैं। डिसबैलेंस। तो गाइस हम घर आ गए थे। आज का ब्लॉग गाइज यहीं तक। यू मस्ती कर रहा है, इसके पापा उधर नो एंट्री कॉइल लगा, नो एंट्री अगरबत्ती लगा रहे हैं। तो गाइज बाय बाय, गुड नाइट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला कीजिए, जैसे कि आप लोग नहीं भूलते हैं। थैंक यू सो मच।